हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस्पाइस में। आज का टॉपिक है तराश डिफेंस का। सेकंड पार्ट लेकर आया हूं क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड के तराश डिफेंस के G3 मेन लाइन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, तराश डिफेंस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्हाइट अगर क्वींस गैम्बिट ना भी करे, D4 D5 और NF3 करे या फर्स्ट मूव NF3 करे, तो भी हम ये तराश डिफेंस का सेटअप कर सकते हैं। तराश डिफेंस का सेटअप व्हाइट के हर एक सेटअप E4 ओपनिंग के अलावा हर एक सेटअप के अगेंस्ट किया जा सकता है। इसके बारे में मैं हो सकता है एंड में वीडियो के कुछ मूव ऑर्डर्स बताऊं जिससे हम तराश में ट्रांसपोज कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी देखते हैं कि इधर D4 D5 के बाद व्हाइट प्लेयर्स अक्सर वेट करते और NF3 खेलते हैं। तो NF3 खेलते ही होता ही है कि अब हमें पता नहीं वो क्वींस गैम्बिट करना चाहता है कि बिशप F4 करके लंदन सिस्टम या E3 करके कोले सिस्टम कौन सा करना चाहता है। तो जो तराश डिफेंस खेलते हैं प्लेयर्स वो यहीं पे C5 कर सकते हैं। तो होगा क्या, आप C4 के बाद तो वापस तराश में नॉर्मल ट्रांसपोज हो जाएंगे C4 E6 NC3 करके, और DC मारना यहाँ पे अच्छा नहीं है क्योंकि NC6 के बाद फिर E5 हो जाएगा। तो ये मूव ऑर्डर जरूर यूज करें जो लोग लेग से तराश डिफेंस करना चाहते हैं। अब मैं नॉर्मल मूव ऑर्डर से मेन लाइन का पोजीशन ले आता हूं, C4 E6 NC3 C5 NF3 को भी हम C5 करते हैं। NF3 NC6 C takes D5 C takes D5 हर एक मूव पर हो सकता है, ऑलमोस्ट पोजीशन सेम आएगा। C takes D5 बहुत डिले करने से क्या करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहां पर वाइट करता है G3। G3 एक मेन लाइन है इस पोजीशन का। वाइट का प्लान बहुत ही सिंपल समझने के लिए, बिशप आना चाहता है G2 पे ताकि फ्यूचर में जो D5 का पॉन आइसोलेटेड होगा, इधर वाइट DC ले लेगा या ब्लैक CD कर देगा, उसके बाद ये D5 का पॉन आइसोलेटेड हो जाएगा। तो बिशप G2 से, नाइट C3 से और क्वीन D1 से तीनों का ही D5 पॉन पे प्रेशर होगा, और कहीं ना कहीं व्हाइट चाहता है कि ब्लैक बिशप E6 करे, तो ये बिशप थोड़ा सा E6 पर पैसिव हो जाएगा। ब्लैक को यहाँ पे लाइंस केयरफुली चूज करने चाहिए। आज मैं जो लाइन बताऊंगा वो काफी स्टैंडर्ड है, पर आगे चल के हम एक जगह पे डिविएट कर जाएंगे और मेन लाइन से हम थोड़ा सा हटकर खेलेंगे। ये लाइन मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अलग अलग लेवल पे ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है, तो 1300, 1600, 1900 इस लेवल तक तो हम आराम से इसको खेल सकते हैं। एक दो बार मैंने भी खेला है 2300 रेंज के ओपोनेंट्स के साथ, मेरे गेम्स ड्रॉ हुए ज्यादातर इसमें। यहाँ पे ब्लैक करता है NF6। आइडिया बहुत सिंपल है, बिशप इसमें E7 पर आएगा क्योंकि G3 पर पॉन है, तो बिशप D6 पर आके कोई फायदा नहीं है, और व्हाइट का BG5 आके इस नाइट को पिन करके D5 पे प्रेशर बढ़ना ही है। तो इसके लिए बिशप E7 रहने से ये पिन नहीं रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि व्हाइट D into C5 हर बार कर सकता है, अलग अलग तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे मेन मूव तो BG2 है। काफी लोग क्या करते हैं, बिशप G5 BE7 करते ही D takes C5, मतलब अब बिशप C5 मारने पे BF6 के बाद D5 का पॉन फ्री चला जाएगा। काफी लोगों का इस तरह से पॉन चला भी जाता है, बिशप C5 BF6 Queen F6, अब नाइट D5 नहीं करेगा बल्कि क्वीन D5 से बिशप अटैक भी हो जाएगा और ओपनिंग में ही पॉन चला जाएगा। फिर लोग बोलते हैं अरे तराश डिफेंस में तो खराब पोजीशन आ जाता है, पॉन चला जाता है, पर ऐसा नहीं है। थियरी सही मालूम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे आएगा D4 जिससे हम नाइट को हटा के C5 का पॉन ले सकते हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर B6 करना, इसके बाद D5 को सपोर्ट आ जाता है और अगले मूव पे बिशप C5 चला ही जाएगा। ये पोजीशन हमारा BG2 के नेक्स्ट लाइन में एग्जैक्टली ट्रांसपोज हो जाएगा, तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। मतलब BG2 BC5 BF6 Queen F6 ये पोजीशन अभी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो बिशप G2 BE7 अब BG5 मेन मूव है। BE7 करते ही व्हाइट अक्सर D takes C5 कर देता है, तो इस पोजीशन में तो हम बिशप C5 भी ले सकते हैं, पर और एक टेक्टिकल आइडिया है D4 नाइट A4 उसको बिशप टेक्स C5। ये आइडिया भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नाइट टेक्स C5 फोर्स्ड, फिर क्वीन F5 चेक BD2 क्वीन टेक्स
सी फाइव। अब होगा ये कि रुक सी वन के बाद क्वीन डी सिक्स पर सेफ है और कैसल के बाद ये बिशप हम जी फोर पे कर सकते हैं। पॉन डी फोर पे होने के वजह से इतना वीक नहीं है और रुक ई एट आके ई टू पे ब्लैक जो है व्हाइट का भी प्रेशराइज करेगा। तो डी फोर का पॉन डी फाइव पे पॉन होने से ज्यादा सिक्योर्ड पोजिशन में होता है। व्हाइट करता है बिशप जी फाइव और यहाँ पे कैसल जो है मेन लाइन है, कैसल कैसल सी डी फोर ये एक मेन लाइन होता है जिसका थ्योरी बहुत ही डिटेल्ड है और कास्पारोव वर्सेस कार्पोव मैचेस में बहुत ज्यादा ये लाइन यूज हुआ करता था। कार्पोव ने कास्पारोव को बहुत परेशान किया था इस ओपनिंग में, तो उसके वजह से कास्पारोव ने बाद में तराश से चेंज कर किंग्स इंडियन डिफेंस का यूज किया था। लेकिन ये लाइन प्लेबल होता है, व्हाइट को स्लाइट टेंशन रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम जो लाइन देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको कैपाब्लांका ने कई बार यूज किया है। यहाँ पे ब्लैक करता है बिशप ई सिक्स, आइडिया बहुत ही दिखने में क्या पैसिव मूव है बी सिक्स, पर आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। डी फाइव के पॉन को सपोर्ट दिया है ताकि एफ सिक्स का नाइट हिल सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। अभी सबसे पहले डी टेक सी फाइव को देखते हैं, डी टेक सी फाइव बिशप सी फाइव और अब हम उस पोजिशन में आ चुके हैं जो पिछले लाइन में आ रहा था, बिशप एफ सिक्स क्वीन एफ सिक्स और नाइट टेक्स डी फाइव। अब प्रॉब्लम यह है कि क्यू बी टू करने पे नाइट सी सेवन चेक हो सकता है, तो इसके लिए पहले बिशप टेक्स डी फाइव क्वीन टेक्स डी फाइव और अब क्वीन टेक्स बी टू। व्हाइट का कैसलिंग नहीं होने की वजह से अभी क्वीन सी फाइव को क्वीन ए वन चेक ये सीरियस प्रॉब्लम है और जैसे ही रुक डिवेल करेगा तो बीबी फोर चेक नाइट डी टू रुक डी एट और हम देखेंगे कि क्वीन ई फोर चेक को 97 बीच में आ जाएगा और डी टू पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है क्योंकि क्वीन ई थ्री बचाते ही वहां पे टैक्टिक हो जाएगा बी डी टू आर डी टू क्यू सी वन चेक और बहुत जल्दी मेट हो जाएगा, तो ये पोजिशन ब्लैक का ऑलमोस्ट विनिंग है। कई बार व्हाइट प्लेयर्स स्मू ऑर्डर ट्रिक करने के लिए इस जगह पे जैसे हमने बी सिक्स को वो कैसल करेगा उल्टा कर सकता है कि यहाँ पे कैसल पहले करे और अब बी सिक्स। अभी भी दिखने में लगता है कि डी टेक सी फाइव बिशप टेक सी फाइव और बिशप जी फाइव होने वाला है, लेकिन इस पोजीशन में ब्लैक सिंपल कैसल और फिर बी एफ सिक्स क्वीन एफ सिक्स एंड डी फाइव को इस बार बी टेक्स डी फाइव में बिशप हैंगिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वीन टेक्स बी टू करेगा। तो पोजीशन के डिफरेंस को समझिए कि अब नाइट सी सेवन चेक नहीं है तो हमने सीधा क्यू बी टू ले लिया, रुक बी वन को जस्ट क्वीन ए टू, तो ये पोजीशन आराम से हम कह सकते हैं कि इक्वलाइज हो गया ब्लैक, शायद साइड बेटर ही है ब्लैक इसमें। ए टू जाने के बाद जब भी एंड गेम होगा तो यहाँ पे आउटसाइड पासर होगा ब्लैक के पास, प्लस ओपन पोजिशन में बिशप पेयर है, तो ये पोजिशन ब्लैक का थोड़ा बेटर तो है ही। तो इसी के साथ हमने अंदर के जो भी वेरिएशन थे उनको कवर कर लिया। अब चलते हैं मेन मूव पर जो कि है कैसल, और जिसमें हम कैसल नहीं करने वाले, हम करने वाले नाइट ई फोर। तो इस बी सिक्स का प्लान बेसिकली ये था कि अभी अगर बिशप इंटू ई सेवन करेगा जो कि मेन मूव है, बिशप अटैक्ड है तो क्वीन ई सेवन कर सकता है, अगर बिशप ई सिक्स पे नहीं हो तो यहाँ पे नाइट इंटू डी फाइव हो जाएगा। इस रिजल्ट से बी सिक्स करना जरूरी था ताकि नाइट ई फोर कर सके। यहाँ पे एक फोर्स लाइन है जिसको हम देखते हैं, नाइट टेक सी फोर डी टेक सी फोर, नाइट अटैक्ड है तो डी फाइव को ई एफ में पीस चला जाएगा व्हाइट का, नाइट ई फाइव उसको नाइट टेक्स डी फोर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बी फोर में इंस्टेंट लूजिंग बिशप एच थ्री आएगा, क्वीन का नाइट बिशप पे अटैक और बिशप का इस रुक पर अटैक, तो व्हाइट लूजिंग हो जाएगा और व्हाइट का करेक्ट मूव है ई थ्री और उसको एन एफ थ्री चेक, गुड मूव। अगर एन सी सिक्स करें तो नाइट सी सिक्स बी सी बी ई फोर के बाद सी सिक्स हैंगिंग हो जाएगा और व्हाइट क्लियरली बेटर होगा, तो इसके लिए नाइट एफ थ्री चेक, नाइट टेक्स एफ थ्री, ई टेक्स एफ थ्री, क्वीन टेक्स एफ थ्री। पोजिशन काफी हद तक सेटल हो चुका है और यहां पे ब्लैक करता है गुड मूव कैसल, और अभी अगर क्यू बी सेवन लिया जाए तो क्यू बी सेवन बीबी सेवन रुक बी एट, उसके बाद बी फोर को रुक बी टू, ब्लैक वहां पे स्लाइट बेटर हो जाएगा, ब्लैक का रुक सेवंथ रैंक पे आ जाएगा, रुक डी एट रुक डी टू एक प्लान है, दूसरा रुक सी एट सी फोर सी थ्री,
फर्स्ट पॉन है यहाँ पे, तो ये पोजीशन जो है ब्लैक का हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर ही है। इसमें कैपाब्लांका का एक बहुत ही अच्छा गेम है, वो क्वीन साइड पॉन मेजोरिटी को यूज करके विन करता है। उस गेम को हम जरूर आगे चल के गेम स्टडी में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेसन में बताया था, हर एक ओपनिंग के बाद हमें उस ओपनिंग के गेम्स स्टडी करने चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल एक लाइन देखते हैं कि नाइट e4 के बाद बिशप टेक्स e7, क्वीन टेक्स e7, उसको नाइट e4 अगर व्हाइट नहीं करना चाहे तो काफी प्लेयर्स रुक c1 करते हैं यहाँ पे, ताकि नाइट c3 को रुक से ले सके। तो यहाँ पे ब्लैक कर सकता है नाइट टेक्स c3, रुक टेक्स c3 और c4। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, b3 को b5 करेगा और यहाँ पे जो है क्वीन साइड मेजोरिटी मिल गया ब्लैक को। व्हाइट e4 के लिए ट्राई कर सकता है, जब भी व्हाइट e4 करे, फॉर एग्जांपल रुक e1 कैसल e4, हम d5 के पॉइंट को ओवर प्रोटेक्ट करेंगे qd7 या rd8 से। d ले लेंगे तो शायद पोजीशन रुक e4 के बाद खराब हो जाए, d5 का भी थ्रेट है वहां पे, तो केयरफुली खेलना चाहिए। अब ब्लैक खुद का प्लान जो है b5 b4 करके इस रुक को पुश करके यहाँ पे मेजोरिटी बनाने का, यानी फर्स्ट पॉन बनाने का कोशिश करेगा ब्लैक। तो ये पोजीशन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हायर लेवल पे तो भी इक्वल या स्लाइट बेटर फॉर व्हाइट है, पर लोअर लेवल पे कई बार व्हाइट प्लेयर्स ठीक से खेल नहीं पाते और इस मेजोरिटी का ब्लैक यूज कर लेता है। जो भी हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक इसमें इम्बेलेंस क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। एक दो मूव ऑर्डर्स के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेसन थोड़ा लंबा हो रहा है, पर एक जस्ट हम एक दो मूव ऑर्डर्स देख लेते हैं जिससे हम ताराशु डिफेंस के पोजीशन को कंफर्टेबली ला सके। सबसे कॉमन मूव ऑर्डर है d4 d5। यहाँ पे अभी मैंने बताया था nf3 को हम c5 करते हैं, और जब व्हाइट c4 करेगा तभी ब्लैक e6 करेगा। इसके अलावा फर्स्ट मूव c4 को भी हम सेम करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? c4 को e6, d4 को हो जाएगा d5, और अब कोई भी nf3 या nc3 दोनों ही मूव को c5, तो हम ताराश में ट्रांसपोज हो गए। सेकेंड, अगर यहाँ पे व्हाइट nf3 करे तो भी d5, फिर से d4, उसको भी c5, लगभग वही पोजीशन आ गया। थर्ड मूव ऑर्डर जो है, फर्स्ट मूव nf3, उसको d5 और उसको यहाँ पे c4, उसको e6। अब अगर व्हाइट d4 करेगा तो स्टैंडर्ड हमारा जो है ताराश का पोजीशन आएगा, लेकिन यहाँ पे काफी लोग अलग अलग मूव ऑर्डर्स करते हैं कि g3 करते, g3 को c5 और फिर bg2, तो उसमें क्या होगा, व्हाइट वेट करता है कि ब्लैक ताराश का सेटअप ले ले पहले, फिर मैं d4 करूंगा, तो हम उसको इजीली अलाउ कर सकते हैं क्योंकि हम g3 लाइन जानते हैं। और अगर व्हाइट चाहे तो b3 भी b2 करता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश का डबल फियांचेटो, जिसका भी मैं आपको बहुत ही जल्दी एक गेम स्टडी से बताऊंगा कि किस तरह से ब्लैक उसमें कब d4 खेले या d4 ना खेले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।